अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? ये ब्लॉग है हमारा लास्ट संडे का। जैसे आप सभी को पता है, लास्ट वीक जो था वो टोटली हॉलीडेज़ का था और संडे उसका मौसम तो बहुत ही कमाल का था। संडे को मौसम बहुत अच्छा होने की वजह से मौसम की डिमांड थी कहीं आउटिंग के लिए जाया जाए। अब मौसम की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने सोचा कहीं बाइक का प्लान करते हैं। अब बहुत सारे ऑप्शन माइंड में थे, उन सब में से हमने सेलेक्ट किया जिलानी पार्क, क्योंकि वो था सारा ओपन और मौसम की डिमांड थी और मौसम ऐसी ही जगह पर इंजॉय किया जाना था जहाँ पर ओपन एरिया हो ताकि हम मौसम इंजॉय कर सकें। सो डिसाइड हुआ जिलानी पार्क और हम निकल पड़े वहाँ की तरह। अब जिलानी पार्क पहुँचने तो बहुत सारा रश हमें देखने को मिलता है, शुरू मेन गेट से ही बाहर पार्किंग बहुत ज़्यादा हमें फुल मिली और अंदर जाते ही हर तरफ रश। लास्ट छुट्टी थी, लास्ट वीकेंड था, मे भी इसलिए रश था या जिस भी मौसम आप देख रहे हो आपको नज़र आएगा। पौधे कितने अच्छे हिल रहे हैं, इतनी अच्छी हवा थी, हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी बीच में एक आध दफ़ा हुई, बस बहुत लाइट सी ड्रिजलिंग हुई। फिर हम बच्चे सच्चे और आप देख रहे हो बच्चों के साथ गए, इतना बच्चों ने इंजॉय किया ना। सबसे पहले तो बच्चे खुश कि हमें बाहर लेकर आए, और मौसम तो मैं अब जितनी मौसम की तारीफ करूँ ना उतनी कम थी। मुझे नहीं पता, लगता कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा बार बार, आप लोगों को देख के आइडिया हो ही रहा होगा कि मौसम कितना ही अच्छा था और रश तो बे इंतहा का था वहाँ पर। हम अपने बच्चों को वहाँ पे लेके गए। सबसे पहले हमने बच्चों को किया जी फोटो शूट, क्योंकि हमें यही डर था कि कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही थी, तो इससे पहले बारिश ज़्यादा होती या होती हमने सोचा पहले शूट कर लिया जाए बच्चों को। बहुत ही मुश्किल से हम एक ही फ्रेम में बच्चों को इकट्ठे करते थे, फिर एक आध पीस साइड में भाग जाता था, जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेम में सारे के सारे बच्चे एक साथ नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर बच्चे अपनी मस्ती में और बड़े अपनी ही मस्ती में। उसके बाद हम थोड़ा आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद जितना जितना आगे जाते जाएंगे रश हमें मज़ीद देखने को मिलता जाएगा और आपको भी देखने को मिलता रहेगा रश। अभी बच्चों को ये था कि जी हमें झूले लेने, हमें झूले लेने, शुरू से ही झूलों का था। तो झूलों वाली साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे भी उफ़ इतना रश, आप देख रहे हो फुल फुल फुल, एक एक झूले के लिए भी ना कोई आधा आधा घंटा वेट करना पड़ता था कि इतना ज़्यादा रश था। मौसम तो बड़ी लेवल का मौसम था उस दिन, तो हम कहते हैं बहुत ही अच्छे मौसम में हम किए, इतने अच्छे मौसम में मेरे नहीं ख्याल से हम वैसे आउटिंग के लिए कभी मतलब गए हों पहले कभी। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम पार्क ही चलते हैं क्योंकि मौसम इंजॉय कर सके। अच्छा, फिर इब्राहिम को सबसे पहले बैठना था जी, मैंने ट्रेन में बैठना। बाकी सारे बच्चे जो थे वो दूसरे झूले ले रहे थे। अब मैं इब्राहिम के साथ बैठी क्योंकि किसी बड़े ने तो साथ बैठना ही था, तो मैं बैठी ताकि मैं वीडियो वगैरह बना सकूँ, और बाकी के सारे बच्चे थे अपने अपने मस्ती में, कोई किसी झूले में, कोई किसी झूले में। यहाँ से हम ट्रेन में देख रहे हैं जो इब्राहिम हमें नज़र आ रहा है साइड पर, ये घुसा हुआ है जी जंपिंग में। तो यहाँ पे अभी हमारी ट्रेन का एक चक्कर कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद होता है अब इब्राहिम ना आ गया, तो इब्राहिम ने देखा जी मैंने भी जाना है। यहाँ पे इब्राहिम फुल मस्ती में मुझे करते हुए इब्राहिम भी अब घुस गया। रमूसा ज़्यादा देर नहीं रुका, वो रोने लग गया क्योंकि बेचारा भी खड़ा ही होता था तो गिर जाता था। उसके बाद हम चलते हैं जी दूसरी राइड की तरफ। तो यहाँ पर थी जी बाइक राइड, और बच्चों को स्पेशली बॉयज़ को तो उफ़ बाइक राइड तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है कि इब्राहिम ने दो दो दफ़ा ली है बाइक राइड स्पेशली। यहाँ पे बाय बाय, जब भी मुझसे बाइक करने के लिए हाथ हैंडल से उठाता था मुझे डर होता था कि अभी गिर ना जाए। फिर आते जी ये लोग बच्चे अपने थर्ड राइड की तरफ। जैसे मैंने बताया रश ज़्यादा होने की वजह से हमें बहुत वेट करना पड़ रहा था और इतने में ही हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। यहाँ पर ये तीनों बैठे हैं, मिरहा, इब्राहिम और मूसा, बड़े ही सुकून से बैठे हुए हैं क्योंकि अभी राइड चल रही है। उसके बाद जैसे ही एक राइड से होते थे साथ ही हमें इन्हें दूसरा झूला लेना था। फिर जी हमें इन्हें जाते जाते इन्हें मिल गया जी ये यहाँ पे जोकर, उसके साथ शेक हैंड करते हुए। इब्राहिम थोड़ा डरा था इसलिए वो पीछे पीछे था, और जब हम निकलने की बारी है तब रश देखो आप बहुत ज़्यादा हो गया, मज़ीद ज़्यादा हो गया। फिर हमने तकरीबन घंटा डेढ़ हो गया, तो हमने सोचा अब चलते हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो रहा था और बच्चे भी ऑलमोस्ट थक चुके थे। वापसी पर बच्चों ने थोड़े से पॉपकॉर्न वगैरह लिए और स्लैश वगैरह ले लूँ के बस सब कुछ तो गंद लेना ही है। फिर मैं यहाँ थोड़ी सी वीडियो में ऐड खुद होते हुए राहा के साथ और फिर निकलते हुए बाहर की तरफ। जैसे मैंने बताया हम बाहर जा रहे थे और रश हमें बहुत ज़्यादा दिख रहा था, लोग अभी भी आ रहे थे। फिर चल चलते हैं घर वापसी की तरफ, और यहाँ पे देखो लाइट्स वगैरह चल गई हैं और रश और हवा और सब कुछ बहुत मिक्स मिक्स सब हुआ।